Welcome to you all in our admin classes. Today we discuss the topic sexual reproduction के events. हम आज discuss करेंगे इस topic में, इस lecture में. Last lecture में हमने sexual reproduction के बारे में पढ़ा था. जैसे कि मैं थोड़ा review करा दूँ sexual reproduction basically the involvement of the two parents. यानी कि उसमें two parents का involvement था. Male parents and female parent. क्या हो रहा था? Male parent male gamete formation कर रहे थे, female parent female gamete formation कर रहे थे. उसके बाद जो male gamete था उसको हम क्या बोल रहे थे? Sperm in case of the man and microspores in case of plant. हाँ, अगर हम female gamete की बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे थे? Ovule egg in case of man और microspore in case of plant. ठीक है, so both जो gamete है वो क्या करते हैं? After that the formation of the gametes they both are fused together. यानी दोनों पेरेंट्स से वो जो दोनों जो गैमेट हैं वो क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे. मेल गैमेट था, फीमेल गैमेट था, दोनों क्या कर रहे हैं? दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल. ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? जाइगोट. तो ये हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स की बात करते हैं. यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हमारे इवेंट होते हैं. ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स. इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन. अनदर वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन बेसिकली जो इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट में डिवाइड है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री, प्री मीन्स पहले. ठीक है, प्री को हम क्या बोल रहे हैं? पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले. यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से पहले जो चेंजेस बॉडी में होते हैं, मेल पेरेंट्स में जो चेंजेस होते हैं, फीमेल पेरेंट में जो चेंजेस होते हैं, उनको हम बोल रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. उसके बाद फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गैमेट फॉर्म हुआ, फीमेल गैमेट फॉर्म हुआ, वो दोनों फर्टिलाइज करेंगे अंडर सच कंडीशंस, उसको हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कैन टेक्स प्लेस. मतलब फर्टिलाइजेशन पीरियड के बाद, यानी कौन सा पीरियड होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो जायगोट है वो हमारा डिवीजन करना फॉर द प्रोलिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो इवेंट्स होंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होंगे. टुडे वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, एंड अनदर वन इज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, या फिर आपकी बुक में देखते हैं गैमेट ट्रांसफर. दोनों का एक ही मतलब है. उसके बाद हम देखते हैं, देखो गैमेटोजेनेसिस हमने पीछे बात करी, गैमेट्स फॉर्म हुए. अब गैमेट तो फॉर्म हो गए, उसके ट्रांसफर के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे. लाइक अगर हमारा प्लांट है, ठीक है, एक तरफ मेल है एक साइड फीमेल है, या एक ही प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी में प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब उनको या तो पास आना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जो मेल पार्ट यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं हमारे, जैसे कि जो हमारा मेल वाला पार्ट है वो कौन बन रहे हैं? एंथर और फिलामेंट. एंथर पे क्या बन रहे हैं हमारे? पोलन ग्रेन्स. एंथर पे हमारे कौन बन रहे हैं? पोलन ग्रेन. तो ये जो पोलन ग्रेन यानी कि जो मेल गैमेट, कौन है पोलन ग्रेन? मेल गैमेट्स. ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट तक जाएंगे तो थोड़ा सा तो इनको अपनी बॉडी में यानी कि अपने पार्ट्स में चेंजेस करना पड़ेगा. उसके बाद ये फीमेल में यानी कि स्टिग्मा पे आएंगे, देन अनदर गोज टू द स्टाइल एंड देन ओवेरी. ओवेरी में जाके ओव्यूल से ये फर्टिलाइज करेंगे और हमारा जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही. प्री फर्टिलाइजेशन में ये सब होगा. गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे. गैमेटोजेनेसिस बेसिकली टाइप ऑफ द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स कैन टेक्स प्लेस. यानी कि गैमेट की फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, गैमेट्स बने शुरू होंगे. और हमने पीछे क्या देखा था? गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर बेसिकली हैप्लॉइड्स. हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड इज अ सिंगल सेट ऑफ जीन, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है,
अब हम पहले कर देते हैं गैमेटोजेनेसिस की टर्म। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मींस गैमेट्स एंड जेनेसिस मींस द जनरेशन और द फॉर्मेशन। यानी इसमें क्या हुआ, द जनरेशन और द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स कैन टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो गैमेट है, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा गैमेट है वो बेसिकली क्या होता है, हैप्लॉइड। कैसा है वो, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस द एन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर द प्रेजेंट। हैप्लॉइड को हम एन बोल रहे थे ना, और हम टू एन किसको बोल रहे थे, फॉर द डिप्लॉइड। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर द प्रेजेंट। तो वाई वी नीड द हैप्लॉइड, हम हैप्लॉइड क्यों ले रहे हैं, टू मेंटेन द डिप्लॉइड। Why we need haploid? N number of chromosome, so to maintain diploidy, diploidy, यानी diploidy structure को maintain करने के लिए, क्योंकि जो organism कैसे होते हैं, diploid होते हैं, यानी कि जब उसमें 46 number of chromosomes are the present, कि 2N से हम उसको denote कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब दो haploid जाके, एक from the mother parent, another one from the मेल पेरेंट, ठीक है, वो जाके फर्टिलाइज होंगे, जब भी तो वो डिप्लॉइड सबसे बनाएगा, तो उसके लिए हम उसको ये हैप्लॉइड लेते हैं। ठीक है, अगर हम अब ह्यूमन बॉडी में से, अगर हम ह्यूमन बॉडी से कोई भी सोमेटिक सेल, कोई भी एक सोमेटिक सेल को हम वहां से बाहर निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, देयर इज अ पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम। वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गए पेयरिंग में, यानी कि डिप्लॉयड इन नंबर, डिप्लॉयड इन नंबर, यानी कि हर सेल डिप्लॉयड ही वहां पर शो करेंगे। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में बेसिकली क्या हो गया, ये हमारी डिप्लॉयड सॉरी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहा है फॉर द टू मेंटेन द डिप्लॉयड। क्या था, टू एंड डिप्लॉयड थे, जैसे कि हमारे पास गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमेटोजेनेसिस हुई, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। तो जो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 46 नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम थे हमारे पास, क्रोमोसोम वो किस में डिवाइड हुए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में यहाँ पे डिवाइड हुए, क्योंकि ये दीज आर डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड का हाफ करके ये क्या बने हमारे, हैप्लॉयड। ठीक है, अनदर वन बेसिकली दीज आर फ्रॉम द मेल पेरेंट या फिर फ्रॉम फीमेल पेरेंट, दूसरा पेरेंट भी हमारा हैप्लॉइड नंबर देगा, उसके बाद ये फर्दर फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनाएंगे, फिर फर्दर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड, टू मेंटेन द डिप्लॉइड, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यानी कि कुल मिला के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट हुए थे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे उन्होंने एंडिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें, अगर हमारे जो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बेसिकली हमारे पास कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 46 का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पास कितने हैं, 23 पेयर। 23 पेयर क्यों बोल रहा है, अगर हम 23 को दो बार प्लस भी करते हैं, फिर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, 46। यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 2। ठीक है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। अगर मान लो कि सिर्फ 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही वर्क है, और इसके बाद इसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम जुड़ेंगे, 1, क्योंकि कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, तो इस 21 क्रोमोसोम को पेयरिंग करने के लिए 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर क्रोमोसोमल अल्टरेशन की वजह से, क्रोमोसोमल अल्टरेशन वो चेंजेस हैं जिसमें या तो मतलब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस होगा, या तो क्रोमोसोम इंक्रीज होगा या फिर क्रोमोसोम वहां पे डिक्रीज, मतलब कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि उसके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे 2। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो क्रोमोसोम अल्टरेशन की वजह से एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम और बढ़ गया, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आए, 3। तो 21 प्लस 3, अब इसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुए, 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो कंडीशन होती है
उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। ट्राई मीन्स थ्री, मतलब कि थ्री नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे एड हुए। सोमी मीन्स बॉडी, बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम एड हुए, थ्री। ठीक है, ट्राइसोमी। और इसको, इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइसोमी। इससे जो सिंड्रोम होते हैं, ट्राइसोमी से जो हमारे सिंड्रोम्स होते हैं उनको हम कौन बोलते हैं, सिंड्रोम्स यानी बीमारियां जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ट्राइसोमी कंडीशन में जो सिंड्रोम हुए क्या बोल रहे हैं उनको, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या हुआ, मेंटल रिटार्डेशन, फुली डेवलपमेंट नहीं होती बॉडी की, मेंटल रिटार्डेशन कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में इफेक्ट पड़ा, तो ये डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स हम उसको यूज कर रहे हैं। हमने बात करी कि जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड टू मेंटेन द डिप्लॉइडी उनको फर्दर एक और हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट्स से फ्यूज होके जायगोट बनाना पड़ता है, देन वो टू एंड वन। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द गैमेट्स। हम बार बार कह रहे हैं गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड गैमेट क्या है हमारे, हैप्लॉइड गैमेट्स। एंड जो गैमेट्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं टू पार्ट्स में, फर्स्ट वन इज आइसोगैमेट्स, अनदर वन इज हेटेरोगैमेट्स। ठीक है, आइसो, आइसो मीन्स सेम, गैमेट मीन्स गैमेट्स। ठीक है, आइसो मीन्स क्या हुआ, सेम, यानी कि द गैमेट्स आर द सेम, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर द सेम, देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग्विशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट। यानी कि जो मेल गैमेट है वो बिल्कुल फीमेल गैमेट से कैसा होगा, सेम। सपोज करो जू स्पोर में बात करी थी, ये अगर हमारा जू स्पोर है तो ये कैसा है, मानो मेल है, तो जो फीमेल है ना वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह दिखेगा, तो देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। इसके पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो अनदर वन फीमेल में भी क्या है, टू फ्लैजिला हमारे प्रेजेंट है, तो इसमें हम कोई मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते। इसका जो एग्जांपल है वो है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा बेसिकली क्या है, एल्गी। ठीक है, क्लैडोफोरा एल्गी। अब हम बात करते हैं हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो मींस डिफरेंट, हेटेरो मींस क्या होता है, डिफर मीन्स they are here, the male and the female gametes are the differ in their morphology. Morphology में वो differ होंगे, जो male होगा another one is female, जो male है उसको हम क्या बोल रहे हैं, sperm, और antherozoids। ठीक है, दूसरा जो female है उसको हम बोल रहे हैं ovum और egg। बहुत सारे डिस्टिंक्शन है, जो हमारा मेल है जो स्पर्म है वो थोड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर, मोटाइल फ्लैजिला, मोटाइल होते हैं यानी कि मूवमेंट शो करेंगे। दूसरे हमारा जो ओवम है थोड़ा सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ओवल टाइप स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो के जो उस स्ट्रक्चर है उसमें इसकी बात करेंगे, एम्ब्रियो के बाद जब पढ़ेंगे इसके बारे में, तो जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर इज नॉन मोटाइल। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो काफी क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें जो हेटेरोगैमेट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हेटेरोगैमेट्स, पहले देख लो आइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स, गैमेट्स टू पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। आइसोगैमेट्स बहुत ज्यादा सिमिलर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या है, सिमिलर, मेल एंड फीमेल बोथ आर सिमिलर। एग्जाम्पल इज क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा इसका एग्जाम्पल है, दिस इज बेसिकली एल्गी। हेटेरोगैमेट्स डिफर होते हैं मॉर्फोलॉजी में, मेल, मेल की बात करें फीमेल की बात करें बोथ आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। मेल में स्पर्म जिसको हम एंथ्रोजॉइड्स भी बोल रहे हैं, ओवम जिसको हम एग भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हेटेरोगैमेट्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हेटेरोगैमेट्स दीज आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाई, क्यों मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में हेटेरोगैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखो फीमेल बॉडी है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कलेक्ट करके रखेगी। ठीक है, ओव्यूल बड़ा होता है ना स्पर्म से, ओव्यूल बड़ा होता है, वो
वो कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अपने अंदर कंटेन करके रखती है। ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जब स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा, जब स्पर्म से फ्यूज करेगा, उसके बाद वो क्या बनाएगा, ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यानी जो ये ओव्यूल है, जो ये एग है, ये हमारा जब हम स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा यानी क्या बना रहा है, जाइगोट। जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो कहां पे आ गया, जाइगोट में। अब जाइगोट, ये जाइगोट क्या करता है, फर्दर डिवीजन करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फॉर द प्रोलिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फर्दर डिवाइड करेगा तो उसको कुछ न्यूट्रिशन अमाउंट मिलेंगे, कुछ न्यूट्रिशन पार्टिकल मिलेंगे जो उसकी फर्दर डिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हेटरोगेमेट्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में इसलिए पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, दिस वन इज ऑल्सो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस टॉपिक में क्या है, अगर हम बोले कि भाई जो मेल है, मेल फर्टिलाइज कर रहा है, दिस वन इज अ फीमेल फर्टिलाइज कर रही है मेल से। ठीक है, दिस इज एन इंडिविजुअल प्लांट, ये एक अपना इंडिविजुअल प्लांट है, ये एक अपना क्या है, इंडिविजुअल प्लांट है, ये भी अपना इंडिविजुअल प्लांट है। तो क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमेशा ऐसे होता है कि जो मेल है वो अपने अलग प्लांट से आए, जो फीमेल है वो अपने अलग प्लांट से आए, देन वो फर्दर क्रॉसिंग ओवर करके यहां पे क्या बनाए, जायगोट। सो दिस इज रॉन्ग, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि जो हमेशा जो फीमेल गैमेट है, जो हमेशा ओवम है वो इंडिविजुअल प्लांट से आए और जो दूसरा जो मेल गैमेट है वो हमेशा अपने डिफरेंट प्लांट से आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट हमारा वहां पर क्या होगा, बाइसेक्सुअल, इन विच बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। प्लांट कैसा होगा हमारा, बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें प्रेजेंट है, तो वो दोनों आपस में अंडर सच सर्कमस्टांसेस वहां पे क्या होगा, मेल है, मेल के पास एंथर है, फिलामेंट है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, जो नीचे, अगर नीचे ये जो है फीमेल पार्ट है, फीमेल के पार्ट के स्टिग्मा स्टाइल है ओवरी, ये आप यहाँ पे फ्यूज करेंगी, तो मतलब इनकी फर्दर साइकिल जो है चलती रहेगी सेम प्लांट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मेल जो गैमेट है वो हमेशा अलग प्लांट से आए और जो फीमेल गैमेट है वो हमेशा अलग प्लांट से आए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि लिली में ये होता है, मेल गैमेट आर ऑल्सो प्रेजेंट, फीमेल गैमेट आर ऑल्सो प्रेजेंट, बोथ द गैमेट इसमें प्रेजेंट है, तो वहां पे वो इंडिविजुअल प्लांट में नहीं प्रेजेंट, वो एक ही प्लांट में मेल भी प्रेजेंट नहीं, मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सम बेसिक टर्म्स, तो कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कुछ बेसिक टर्म्स आपकी बुक में हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, यूनिमिक्स, वन, ओनली वन सेक्स आर प्रेजेंट हियर, यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली वन सेक्स आर प्रेजेंट, एंड बाइसेक्सुअल, बाई मीन्स टू, टू सेक्सेस आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, एक इंडिविजुअल प्लांट, ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल प्लांट की, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट हियर, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ओनली आइदर मेल
क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल प्रेजेंट। ठीक है, बाइसेक्सुअल जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोथैलिक, इसको हम होमोथैलिक भी बोलते हैं इन इन केस ऑफ फंजाई। फंजाई के केस में जो बाइसेक्सुअल जो टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोथैलिक। मीन्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट हियर, दोनों सेक्स यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी दोनों मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ आर प्रेजेंट, दोनों यहां पे प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल है, इसको हम क्या बोलते हैं, वो टर्म हिटेरोथैलिक। ठीक है, हिटेरोथैलिक का मतलब क्या हुआ, ओनली वन, मे बी मेल और मे बी फीमेल, एक पार्ट यहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको हम एक और टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक में दिया हुआ मॉरिशियस। मॉरिशियस का भी मतलब होता है या तो मेल प्रेजेंट, मेल और फीमेल वहां पे दोनों पार्ट वहां पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, डाइशियस। डाइशियस, ठीक है, डाइशियस यहां पे ये हो गया, यानी कि दोनों बॉडी में से क्या है, यहां पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, दिस फॉर द यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फॉर द बोथ, यूनिसेक्सुअल फॉर द ओनली मेल, अगर मेल और फीमेल इज प्रेजेंट, हेटेरोथैलिक हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि एक या तो मेल या फिर फीमेल ही यहां पे प्रेजेंट होगा, डाइशियस मतलब कि दोनों में से एक। ठीक है, दो बॉडी, दो डिफरेंट बॉडी होगी यहां पे। बाइसेक्सुअल में क्या होगा, बोथ आर प्रेजेंट, होमोथैलिक हम इसको बोल सकते हैं, इन केस ऑफ फंजाई एंड मॉरिशियस हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, जो यूनिसेक्सुअल हम टर्म यूज कर रहे हैं फॉर सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, उसमें यूनिसेक्सुअल में जो मेल पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमिनेट। ठीक है, जो यूनिसेक्सुअल है उसमें एक मेल पार्ट है और उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मतलब जो मेल पार्ट, स्टेमन के जो पार्ट हैं कौन से होते हैं, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। जिसका फीमेल पार्ट है यूनिसेक्सुअल में, अगर वन इज अ फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टिलेट। ठीक है, PISTILATE, पिस्टिलेट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टिलेट। मतलब यहां पे क्या है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवीडी, बोथ थ्री पार्ट आर प्रेजेंट, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवीडी, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में मेल पार्ट को स्टेमिनेट बोल रहे हैं और फीमेल पार्ट को पिस्टिलेट बोल रहे हैं। स्टेमिनेट में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट इज अ पार्ट फ्रॉम वेयर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन कैन टेक प्लेस। यहाँ पे स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, इसको स्टिग्मा, इसको स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज अ पार्ट विच कलेक्ट द और विच हैज अ कैपेबिलिटी टू रिजेक्ट द पोलन ग्रेन। ठीक है, वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो रिजेक्शन कर सके, जरूरी नहीं है जो भी पोलन ग्रेन उसके ऊपर आएगा वो हमेशा उसको एक्सेप्ट कर लेके अपने जो एग है उसे फर्टिलाइज करा के नया सीड बनाए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, उसके पास वो जो पोलन ग्रेन है उस स्टाइल के जरिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल के जरिए वो नीचे जाएगा, उसके बाद वो वहां पर जाएगा ओव्यू, ओवेरी में जाएगा, ओव्यू उसे फर्टिलाइज करके एक नया सीड वहां पे प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लास्ट का, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। टॉपिक है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में सेल डिवीजन कैसे हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात इस गैमेट वर्ड की कर लेते हैं। वैसे हम काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी गैमेट हमारे कैसे होता है, हैप्लॉइड। ठीक है, मीन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट हियर। कैसे होते हैं गैमेट, हैप्लॉइड। अब क्या ये जरूरी है
कि जो उसका पेरेंट है कि जो उसका पेरेंट है वो भी हैप्लॉयड हो या वो हमेशा डिप्लॉयड हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि गैमेट अगर हमको हमेशा ही हैप्लॉयड चाहिए तो जो उसका पेरेंट है वो हमेशा क्या हो, डिप्लॉयड हो। ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि जो उसका पेरेंट है, पेरेंट ऑलवेज नॉट बी डिप्लॉयड। ठीक है, पेरेंट हमेशा क्या नहीं होगा, हमेशा डिप्लॉयड नहीं होगा। इट में बी हैप्लॉयड और इट में बी डिप्लॉयड। पेरेंट मे बी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पेरेंट है वो हैप्लॉयड किसमें होगा। हैप्लॉयड किसमें होगा, ब्रायोफाइट्स, लो फंजाई, बैक्टीरियल सेल में जो पेरेंट है कैसा होगा, हैप्लॉयड। प्लॉयड यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे प्रेजेंट होंगे। और डिप्लॉयड किसमें होगा, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के केस में क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी जो डिवीजन है वो कैसे होगी। पहले ये देख लो, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स हमेशा हमको कैसा चाहिए, हैप्लॉयड चाहिए। हैप्लॉयड गैमेट होने के लिए ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि जो उसका पेरेंट है वो हमेशा कैसा हो, डिप्लॉयड हो। इट मे बी हैप्लॉयड और इट मे बी डिप्लॉयड हो। डिप्लॉयड भी हो सकता है, उसके पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, उसके पास टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों। ठीक है, जो डिप्लॉयड पेरेंट थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, हैप्लॉयड पेरेंट्स हैं द ब्रायोफाइट्स, बैक्टीरियल सेल एंड द लोवर फंजाई। अब हम इनका थोड़ा डिवीजन देखते हैं। लाइक हमारे पास जो गैमेट है एन, ठीक है, गैमेट हमारा एन है। गैमेट्स के बाद क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है क्या है, फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो आपस में जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी हाफ है, इसको हम क्या हाफ करेंगे, अगर हमेशा क्या होती है हमारी मियोसिस। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन रिड्यूस टू हाफ, कैसा हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। ये क्या हो गया, एन बाय टू। सोचो ये हमारा गैमेट है, ये हमारा गैमेट है, ठीक है, मियोसिस कराए, गैमेट कितना रहेगा हमारा, इतना हाफ, वन बाय टू, वन से कितना हो गया, वन बाय टू हाफ हो गया। तो मान लो जो हमारे इधर वाला पार्ट था, ये जो हमारी सेल्स हैं वो रह गई, अब हमारी बॉडी में कुछ तो बन जाएगा और कुछ रह जाएगा। हमारी बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट हियर, जितने भी ब्लड सेल्स होती है वो सब रह जाएंगी। तो मियोसिस इसमें नहीं होगा, इसमें हम क्या लेंगे, माइटोसिस। तो हम इसमें कौन सी रिडक्शन कराएंगे, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, यानी इक्वल, इक्वेशनल मीन्स इक्वल, यानी कि इससे क्या बनेंगे, टू एन डॉटर सेल्स, एन और एन, ये अनदर वन माइटोसिस शो करके और अपनी सेल्स यहां पे बनाती रहेगी। इन केस ऑफ हैप्लॉयड द पेरेंट्स आर द हैप्लॉयड्स, ठीक है, उसमें जो हम डिवीजन माइटोसिस तो ऐसे करेंगे। इन केस ऑफ द मियोसिस, मियोसिस के केस में क्या होगी, सेल हमारी कैसी है, अगर हमारी सेल डिप्लॉयड है, मियोसिस अगर उसमें हुई है, पता है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया एन और अनदर वन इज ऑल्सो एन, दिस इज द डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल, दिस वन इज द हैप्लॉयड सेल। फर्दर ये फ्यूजन तो क्या बना रही है, आगे अपनी जो है नई नई सेल्स बना रही है। ठीक है, उसके बाद एक जो लास्ट लाइन है वो है मियोसाइट।
capability to do the process of meiosis. Meiosis, those cells होती है which have the capability to do the process of the meiosis. कौन से सेल जिनके पास meiosis की capability है वो हमारी meiosites होती है. ठीक है. So आज के लिए हमने क्या क्या डिस्कस किया. इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स, कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे. देन अदर वन इज फर्टिलाइजेशन, एंड अदर वन इज फर्टिलाइजेशन जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होकर क्या बना रहे, गैमेट्स बना रहे. पोस्ट फर्टिलाइजेशन गैमेट्स के बाद जो बॉडी में चेंजेस होंगे फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द बॉडी, द चेंजेस विल टेक प्लेस फॉर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन में हमने दो चीजों के बारे में बात करी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस इन विच दिस इज द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स कैन टेक प्लेस. और हमें पता है जो गैमेट्स हमारे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं. गैमेट्स हमारे हमेशा कैसे हैं, हैप्लॉयड है. उसके बाद हमें क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स, गैमेट्स का ट्रांसफर होगा. उसके लिए कुछ ना कुछ जो है स्ट्रक्चर को चेंजेस करने पड़ेंगे, फ्लावर को जो मेल पार्ट है उसको फीमेल पार्ट के पास आना पड़ेगा, या फीमेल पार्ट है उसको मेल पार्ट के पास जाना पड़ेगा ताकि वो अपने जो गैमेट है उनको रिप्रोड्यूस करा सके. उसके बाद देखा गैमेट, गैमेट कितने टाइप के होते हैं, आइसोगैमेट्स एंड हेटरोगैमेट्स. आइसोगैमेट्स व्हिच बोथ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर, देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर द सिमिलर. ठीक है, वो गए आइसोगैमेट्स. हेटरोगैमेट्स हमने बात करी, टू टाइप के गैमेट्स देखे थे हमने, स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म फॉर द मेल एंड ओवम फॉर द फीमेल. स्पर्म उसको मेल यानी ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, मेल के लिए हम प्लांट्स में बात करें उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो. ठीक है. सेक्सुअलिटी के बारे में हमने देखी कि ऐसा नहीं है कि जो हमेशा मेल और फीमेल पार्ट है वो हमेशा इंडिविजुअल ही प्लांट से आते हैं. ये जरूरी नहीं है कि जो मेल गैमेट है, जो मेल पार्ट है वो हमेशा, और मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट से आए. दोनों जो गैमेट्स हैं वो एक ही प्लांट पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स. समेसिक टर्म की हमने बात करी, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल इन विच ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वन गैमेट्स आर इन्वॉल्व हियर. इसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोथैलिक भी हम इसको बोल रहे हैं. हेटरोथैलिक हमने इसको बोला. जो बाइसेक्सुअल थे बोथ द गैमेट्स आर प्रेजेंट हियर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोथैलिक और मोनोशियस. और एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं हरमेफ्रोडाइट. This is also bisexual, in which both male and female gametes are present. ठीक है. उसके बाद में क्या देखा, cell division during gametes formation. Gamete formation में cell division किस तरीके से होती है, अगर हमारे gamete हमें जो है हमें haploid gamete कैसा चाहिए, haploid क्यों चाहिए, to maintain the diploidy of the organism. Organism की diploidy 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमें हैप्लॉइड चाहिए. अब अगर हम हैप्लॉइड पेरेंट के पास ही हैप्लॉइड है, फर्दर उसमें डिवीजन में यानी गैमेट्स हमको बनाने हैं. ठीक है, अगर पेरेंट के पास ही हैप्लॉइड था उसी को गैमेट बनाने हैं तो वो तो हाफ हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करें, हमको यहां पर मियोसिस डिवीजन नहीं करानी, क्योंकि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस की जगह पे हम क्या करेंगे, उसमें माइटोसिस. मियोसिस हम नहीं कराएंगे, हम क्या कराएंगे, माइटोसिस विच इज द इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल. ठीक है, ये हो गया हमारा. उसके बाद हमने क्या देखा, इक्वेशनल डिवीजन होगी. उसके बाद हमने लास्ट जो एक टर्म थी वो देखी, मियोसाइट्स. मियोसाइट्स दीज आर द दो सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी होती है मियोसिस करने की. मियोसाइट्स वो सेल्स होती है विच हैव द कैपेबिलिटी टू डू द मियोसिस. जो मियोसिस की प्रोसेस में हेल्प कराते हैं वो हमारी मियोसाइट्स होती है. ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम
हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन या फिर गैमेट ट्रांसफर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल.